कैसे करनी है। एडेप्टेशन का मतलब हो गया किसी भी फ़ोटो को हम कहीं भी प्लेस करके दिखा सकते हैं और वो ऐसा लगेगा कि रियल में वहीं पे ही वो एक्चुअल में फ़ोटोशूट किया गया है या वहीं से क्लिक की गई है। जैसे कि हमें किसी फ़ोटो को किसी फ़ोटो फ्रेम के अंदर लगाना है, किसी वॉलपेपर के ऊपर लगाना है, या कहीं मॉल के जहाँ बैनर्स वगैरह होती हैं, होर्डिंग्स वगैरह होती हैं, होर्डिंग की प्लेसेस पे हमें वहाँ दिखाना हो, ठीक है। तो आज के टाइम पे कई कंपनियाँ क्या होती हैं, जो एडवर्टाइजमेंट कंपनियाँ होती हैं, वो लोग क्या करती हैं कि अपने कस्टमर्स को पहले अपने डिज़ाइन बना के दिखाती हैं, और पहले तो डिज़ाइन बनाती हैं, डिज़ाइन अप्रूवल होने के बाद वो उस डिज़ाइन को रियल में दिखाती हैं कि जैसे अगर उन्हें होर्डिंग बनाना है तो वो होर्डिंग पे एक्चुअल में लगेगा कैसे, या किसी वॉल के लिए प्रिंट है तो उसको वो उस रियल इमेज के अंदर उस डिज़ाइन को अडेप्ट करके दिखाती हैं कि वो कैसा लगेगा फाइनली, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम फोटोशॉप के थ्रू बना करके दिखा सकते हैं, और कैसे बनाएंगे उसी की क्लास के लिए मैंने रिकॉर्डिंग की है, और देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं कुछ आपको ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन बताऊँगा जिससे कि आपको समझ में आ सके कैसे ये वर्क करना है। तो मैं एक इमेज ले रहा हूँ और प्लेस कर रहा हूँ, प्लेस में क्या फ़र्क होता है, और ओपन में, ओपन से भी इमेज आएगी, प्लेस से भी इमेज आएगी, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है। हाँ, प्लस ये भी कि ओपन करने से वो अलग शीट पे आएगी और प्लेस करने से वो करंट शीट के ऊपर आएगी, ठीक है। प्लस ये भी डिफरेंस है कि जब हम ओपन करते हैं तो वो अलग न्यू लेयर पे, मतलब बैकग्राउंड लेयर पे आती है, और प्लेस करने पे वो न्यू लेयर पे तो आती है लेकिन स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन करके आता है, ठीक है। तो हमने उसको प्लेस किया और यहाँ पर इमेज ले लेते हैं कोई भी, तो फिलहाल के लिए हम वॉलपेपर में से कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, सपोज एनिमल्स की ले लेते हैं, लाइक दिस वन। ये इमेज ओपन नहीं, प्लेस की हमने, तो न्यू लेयर पे वो आएगा एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन करके, और जब भी इमेज प्लेस करो तो एंटर प्रेस कर देना और F7 फुल लेयर। तो ये देखिए यहाँ पे आ गई है। अब मैं कंट्रोल टी करता हूँ, कंट्रोल टी यानी कि ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा स्केलिंग कर सकते हो। ऑल्ट शिफ्ट करने से ये रहता है जैसे आप नॉर्मल स्केल करते हो, तो जिस साइड से स्केल करेंगे उस साइड से होगा, बट इसका प्रोपोर्शन भी ख़राब हो जाता है, यानी जो उसके एक्चुअल हाइट विड्थ थी वो अब अलग हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि इसकी जो हाइट विड्थ है वो सेम रहे, मतलब कि उसी प्रोपोर्शंस वे में वो स्केल अप या स्केल डाउन हो। तो कंट्रोल टी करने के बाद ऑल्ट यूज़ करना, शिफ्ट से क्या होगा, पर्टिकुलर एक दो साइड से होगा लेकिन प्रोपोर्शन वाइज होगा। चारों साइड से करना है तो शिफ्ट के साथ साथ ऑल्ट भी यूज़ करो, तो वो ऑल साइड से स्केल अप एंड स्केल डाउन होगा, राइट। और जब हम कंट्रोल टी करते हैं उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी आते हैं राइट क्लिक करने पे, जैसे कि क्या, प्लेस कर देंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा, और कैंसिल कर देंगे मतलब कि मैंने रोटेट किया, अब मैं कैंसिल कर दूंगा तो पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। और स्केल करेंगे तो अभी सिर्फ स्केल ही होगा, जैसे क्या होता है कि अगर मैं कॉर्नर पर जाता हूँ तो रोटेट भी होगा प्लस स्केल भी होगा, लेकिन मैं अगर सिर्फ राइट क्लिक करके स्केल लेता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ स्केल ही होगा, इसकी मजाल नहीं कि रोटेट भी हो जाए अभी सिचुएशन में, ठीक है। तो क्या करना है, तो डिपेंड करता है, आपको सिर्फ स्केलिंग करना है ये यूज़ कर लो, रोटेट करना है तो रोटेट यूज़ करेंगे, अब सिर्फ रोटेट ही होगा। और स्क्यू में, यानी कि पर्टिकुलर साइड से स्क्यू, जैसे हमें शेडो रिफ्लेक्शन टाइप में कुछ दिखाना हो तो उसके लिए इसको स्क्यू टाइप का यूज़ किया जाता है। और डिस्टॉर्ट, पर्टिकुलर एक पॉइंट को हम कहीं भी रख सकते हैं पर्सपेक्टिव वे में, डिस्टोरेशन वे में, ये ठीक है, एक एक पॉइंट को सेट करना। लेकिन अगर मुझे प्रस्पेक्टिव वे में सेट करना दोनों साइड को एक साथ, तो फिर प्रस्पेक्टिव ले लेंगे, तो अब मैं यहाँ से लूँगा ऐसे करूँगा तो ये जैसे 3D वे में रोटेट हो रहा है पीछे की ओर, आगे करेंगे तो ऐसा लग रहा है आगे की ओर वो आगे आ रहा है, ठीक है। यानी दोनों साइड से, जिस साइड से करेंगे उसके दोनों साइड से करेगा, उसके काफ़ी यूज़ हो गई, डिस्टॉर्ट हो गया। रैप में कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, हम इसको ऐसे कर्व के अकॉर्डिंगली भी इसको सेट कर सकते हैं कि यहाँ से ऐसे रखना है, कर कोई डिज़ाइन हमारा जो कर्व वे में हो तो वहाँ पर फिर हम ये कर्व वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। और रोटेट में 180 में वही 180 डिग्री पे आपका जो ऑब्जेक्ट है या इमेज है वो रोटेट हो जाएगा, ठीक है। और वापस कर देंगे स्ट्रेट हो जाएगा। फिर अगर मैं करता हूँ रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, CW मतलब क्लॉकवाइज हो गया, जैसे आपकी क्लॉक रोटेट होती है। तो हम कई बार हम ऐसी इमेज को क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट 90 डिग्री पे रोटेट हो जाती है, मतलब पहले से वो रिवर्स होती है या उसका एंगल चेंज होता है, तो मुझे इसको स्ट्रेट करना है। अगर मेरी इमेज लेफ़्ट साइड में रोटेट है तो मैं उसको 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज कर दूंगा। जैसे अगर मान लो हमारी इमेज पहले से ही ऐसे होती, अब मुझे इसको स्ट्रेट करना है
तो मैं क्या करूँगा, रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और अगर हमारी इमेज पहले से ही ऐसे होती तो मुझे क्या करना होता, CCW यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर एक आता फ्लिप हॉरिजॉन्टल, वही लेफ्ट वाला पार्ट राइट में आ जाएगा और राइट वाला पार्ट लेफ्ट में आ जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। कई बार हमारा फेस लेफ्ट में देख रहा होता है कोई पोर्शन है, बट हम चाहते हैं कि वो फ्लिप हो जाए, तो आप कंट्रोल टी करके राइट क्लिक करके कर सकते हो, और फ्लिप वर्टिकल कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, राइट। वापिस से फ्लिप कर देंगे, ये हो जाएगा, देन एंटर, तो ये अप्लाई हो जाएगा। अब हम इसी का यूज़ करके एडेप्टेशन सीखते हैं, कैसे हमें एडेप्टेशन करनी है। तो मेरे पास एक रेफरेंस है यहाँ पर, ये मॉल की इमेज है, और यहाँ पर हम अलग अलग इमेजेस को कैसे सेट करते हैं वो सीखते हैं। तो मैं इस इमेज को, ये हमारे पास यहाँ पे है नीचे, तो मैंने इसको उठाया, ड्रैग करना है और फोटोशॉप में प्लेस कर देना है। ओके, सो अब क्या करते हैं इसमें, यहाँ पर हमें इमेज सेट करनी है अलग अलग, तो जो भी इमेज सेट करनी है उसको, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप यहाँ एडेप्टेशन कर रहे हो और जो आपका डिज़ाइन है, सपोज़ आपको यहाँ कोई डिज़ाइन सेट करना है और आपका जो डिज़ाइन है वो सपोज़ विड्थ वाइज ज़्यादा है यानी कि लैंडस्केप वाइज है, तो क्या वो यहाँ सेट हो पाएगी इस वाले पोर्शन में, कैसे नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अगर हम पूरे को स्केल ऐसे स्ट्रेच कर देंगे तो दबा हुआ लगेगा, वो स्ट्रेचेबल लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस डिज़ाइन को हमें पोर्ट्रेट फॉर्म में बनाना होगा, पोर्ट्रेट फॉर्म मतलब लंबाई वाइज बनाना पड़ेगा उसको, उस डिज़ाइन को हमें रीडिज़ाइन करना होगा पोर्ट्रेट वे में। और अगर ऐसे ही हमने, हमारा जो डिज़ाइन है वो लैंडस्केप वे में है, ठीक है, या पोर्ट्रेट वे में है, और जहाँ हम सेट करने जा रहे हैं वहाँ वो लैंडस्केप में है, ठीक है, यानी डिज़ाइन हमारा लैंडस्केप है, तो आप वही है मतलब अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन उसको सेट कर लोगे, लैंडस्केप वाइज है और पोर्ट्रेट में सेट करना है तो उसको भी लैंडस्केप बना लोगे, ठीक है, तो जो भी होगा उसके हिसाब से सेट कर लोगे आप। तो अभी हम क्या करते हैं, हम कोई इमेजेस ले लेते हैं फ़िलहाल के लिए, तो मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ, या हम डिज़ाइन देखते हैं, डिज़ाइन अगर होते हैं तो डिज़ाइन भी सेट कर सकते हैं। सो डिज़ाइन में हमारे पास में रेफरेंस में होंगे वो लेते हैं, ठीक है, मुझे क्या करना है उसके अंदर ये 20 वाला पोस्टर दिखाना है, ठीक है, तो मैंने ये लिया एंड प्लेस कर दिया, तो ये यहाँ पे आ गया है, काफ़ी छोटा बड़ा है, आप इसको छोटा कर लो, दिस वन, और हाँ और फिर इसको सेट कर लेते हैं, प्रपोर्शन वाइज करना है ध्यान रखना, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि ये सेट नहीं हो पा रहा है, मतलब हाइट इसकी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस डिज़ाइन को हमें रीडिज़ाइन करना होगा, राइट। तो अभी तो फ़िलहाल हमने जैसे JPG लिया है, बट आपके पास आई थिंक आप वर्क करोगे कंपनी में तो वहाँ पर डिज़ाइन आपके पास प्रॉपर ओपन फॉर्मेट होगा, आप वहाँ लेयर्स की पेज की हाइट बढ़ा दोगे और अलाइनमेंट वगैरह उसके हिसाब से सेट कर देंगे, स्पेसिंग वगैरह, तो फिर ईज़िली सेट हो जाएगा। फ़िलहाल मैं भी क्या कर रहा हूँ, इसको स्ट्रेच करके मैं सेट कर दे रहा हूँ, सो कैसे एंटर करते हैं, यहाँ रखा, कंट्रोल टी किया, और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी इमेज को आप सेट करो तो उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेना है, जब वैसे जब भी इमेज को प्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही होता है वो, इन केस अगर ना हो तो आप उस लेयर पे राइट क्लिक करके और हाँ यहाँ पर आया कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना है हमेशा, ताकि इमेज की क्वालिटी कम से कम लॉस हो, और डिस्टॉर्ट लिया और इसको मैंने ऊपर ऐसे सेट कर दिया, एंड यहाँ से भी नाउ ये सेट किया और इधर से ये सेट कर दिया, ठीक है, एंड टर कर देना आपको, तो ये फाइनली हमारा उसमें अडेप्ट हो गया, ठीक है। अब सपोज़ हमें यहाँ कोई, अब ये हमारा स्क्वायर टाइप में है लगभग, तो हमें ऐसी डिज़ाइन लेना पड़ेगा, हमें स्क्वायर साइज़ में बनाना होगा, तो फिलहाल मैं कोई ऐसा डिज़ाइन लेता हूँ जो स्क्वायर साइज़ में होगा, तो प्लेस किया, और हमको यहाँ से दिखाना है, ये डिज़ाइन लेते हैं, ठीक है, ये पोस्टर हमने बनाया, ये हमें दिखाना है यहाँ पर, नहीं ये जब भी हम प्लेस करते हैं ऑटोमेटिकली स्मार्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, अभी तो बताया,
आप एंटर करो तो ऑलरेडी स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही हो, रेस्टराइज नहीं करना है। तो इसको ये साइड कर लिया, दिस वन एंड कंट्रोल टी, राइट क्लिक और पहले थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ताकि आगे थोड़ा सा पतला कर सकें, और फिर राइट क्लिक डिस्टॉर्ट, पहले इस पॉइंट को थोड़ा नीचे और इस पॉइंट को भी इधर, पहले इस पॉइंट को भी यहाँ सेट कर लिया दिस वन। अब इसको जूम करके जितना हो सके जूमिंग लेवल पे वर्क करो, उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। अभी पिलर उसका जो हम वो है उसको भी ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा लगभग अडैप्ट हो चुका है। अब हमें इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो ये है स्ट्रीट लाइट या जो भी लाइट है ये, तो ये इसकी ये पीछे आ रहा है, ठीक है, ये हमें ऊपर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इतने पोर्शन की कॉपी बना के इस लेयर के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। कैसे, पहले मैं इसको हाइड करता हूँ ऊपर वाली इमेज को जो मैंने अभी अडेप्ट किया है, और ये जो हमारा पिलर है कौन सी पे है, बैकग्राउंड लेयर पे है, इसको सेलेक्ट करते हैं। ओके सो क्या करते हैं, सिलेक्शन बनानी इसकी, हाँ नहीं अनलॉक नहीं करना, वैसे हो जाएगा। सो मैंने क्या किया, पेन टूल से और पाथ लेयर यहाँ क्लिक और एक यहाँ क्लिक, एक यहाँ क्लिक, ठीक है। अब इसको सेट कर लेते हैं जूम करके अच्छे से यहाँ तक, ठीक है। ठीक है ये हो गया, और फिर कंट्रोल एंटर फोकन वर्ड पाथ इनटू सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अभी कोई भी लेयर सेलेक्ट नहीं है तो अपने बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करना है, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे से क्या होगा उस लेयर की कॉपी आ जाएगी, और मैं इस लेयर को ऊपर ड्रैग कर दूंगा सबसे टॉप में, और फिर जो लेयर मैंने हाइड की थी इसको ऑन कर देते हैं। तो लेट्स सी, ये हमारा सेट हो चुका है, ये दो हमने इमेज एडेप्टेशन कर दिया। इसी तरीके से आप इन सभी को चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अगर एडिट करते हो तो ये स्ट्रीट लाइट आपको ये इसकी सिलेक्शन बना के इसकी ऐसे ऐसे सिलेक्शन बना लोगे और फिर कॉपी लेकर के सेम वही उस इमेज के ऊपर ड्रैग कर दोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप इस तरीके से किसी और किसी भी इमेज को कैसे सेट करना, अब मैं एक और वीडियो इसकी बनाऊँगा जिसमें थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर हमें कैसे सेट करना है अलग सी जगह पर, ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल लेवल पे।